सो गाइज, आज हमारे पास है क्रॉसबीट की तरफ से क्रॉसबीट इग्नाइट क्रक्स स्मार्ट वॉच। 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट में इसे लॉन्च किया गया है। बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूं, सारे फीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। बॉक्स पर मैं इग्नाइट क्रक्स लिखा हुआ है। बैक साइड में दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट रखे, जैसे 1.7 HD स्क्रीन, लाइटेस्ट बिल्ड, 35 ग्राम इसका ओनली वेट है, स्मार्ट फीचर इनेबल, IP68 की वाटर रेसिस्टेंस, 8 स्पोर्ट्स मोड मिले हैं, 200 ऐप वॉच फेसेस भी मिल जाएंगे, डायनेमिक HR मॉनिटरिंग और दोस्तों थिएटर मोड भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ओपन कर लेते हैं अपने बॉक्स को। यहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं और दोस्तों पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। वॉच को थोड़ा साइड कर लेते, पहले देख लेते बॉक्स कॉन्टेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। क्विक स्टार्ट गाइड भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा, कुछ कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं और आपको एक यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। चार्जिंग केबल मिल जाता है। केबल की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों काफी बढ़िया है और आपको मैग्नेटिक चार्जर इसमें मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते वॉच की बिल्ड और डिजाइन की, तो डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा है। और दोस्तों इसका जो डायल है वो स्क्वायर शेप में आपको मिलेगा और काफी थिन इसका डायल है, तो अगर आप हाथ में पहन रहे हो तो दोस्तों काफी अच्छा लुक देने वाली है ये वॉच। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले को देख लेते हैं। डिस्प्ले 1.7 इंच HD डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बेजल्स की बात करूं तो नीचे की साइड थोड़े ज्यादा नैरो बेजल्स आपको दिख लेंगे और साइड में और ऊपर की साइड आपको ठीक ठाक बेजल्स मिल जाते हैं। डायल फुली प्लास्टिक से बनाए, क्राउन बटन मेटल से बनाए। बैक साइड में दोस्तों देखेंगे तो पॉलीकार्बोनेट का यूज किया। सारे सेंसर यहां पे दोस्तों आपको मिल जाएंगे, चार्जिंग पिंस। और दोस्तों स्ट्रैप की बात करूं तो स्ट्रैप काफी ठीक ठाक मिल जाता है, सिलिकॉन से स्ट्रैप मिले हैं और दोस्तों रिप्लेसेबल स्ट्रैप भी इसमें आपको मिल जाएंगे। इस साइड भी दोस्तों काफी ठीक ठाक स्ट्रैप मिल रहा है और बकल दोस्तों इन्होंने फुली मेटल से बनाया। बकल के ऊपर में क्रॉसबीट की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों वॉच के फीचर और यूआई को चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप इधर से स्वैप करो तो सबसे पहले आपको स्टेप्स काउंट दिखेगा और दोस्तों स्लीप मॉनिटर दिख जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सारी स्पोर्ट्स मोड आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको मीजर बीपी भी मिल जाएगा, SpO2 मॉनिटर और दोस्तों वेदर अपडेट इधर ही से आपको शो होने वाला है और आपको कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा और म्यूजिक कंट्रोल। आप ऊपर से स्वैप डाउन कर रहे हो तो दोस्तों शॉर्टकट पैनल इधर ही आपको देखने को मिल जाता है, जहां पे अपनी डेट वगैरह चेकआउट कर सकते हो और बैटरी इधर ही से शो हो जाएगी। ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, वॉच को साइलेंट कर सकते हैं और दोस्तों टॉर्च मिल जाता है कुछ इस तरीके से और आपको मिल जाएगा थिएटर मोड। अगर आप थिएटर मोड को ऑन करो तो आपकी वॉच साइलेंट मोड पे चली जाएगी और ब्राइटनेस कम हो जाएगा। वेदर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको मिल जाता है सेटिंग। अगर आप सेटिंग में जा रहे हो तो दोस्तों मेन्यू व्यू मिल जाएगा। अगर आप मेन्यू व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपने मेन्यू को ग्रिड में और लिस्ट में रख सकते हो। अगर आप ग्रिड कर रहे हो तो आपका मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। आप लिस्ट व्यू कर रहे हो तो आपका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको ब्राइटनेस वाइब्रेशन ऑन करने का ऑप्शन इधर ही मिल जाएगा, थिएटर मोड मिल जाता है, रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पावर ऑफ, अबाउट और ऐप QR कोड। नीचे से स्वैप अप करने पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है। तो इधर से स्वैप करने पे आपको मेन्यू दिखेगा। मेन्यू में सबसे पहले स्टेप्स, स्लीप मॉनिटर, HR दिख जाएगा, ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग में जा रहे हो तो सारी स्पोर्ट्स मोड इधर ही से आप चेकआउट कर सकते हो। मीजर बीपी, SpO2 मॉनिटर और दोस्तों वेदर मिल जाएगा, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ स्टॉप क्लॉक मिल जाएगा और दोस्तों यहां पे अलार्म सेट कर सकते हैं, टाइमर मिल जाता है, फ्लैश लाइट और सेटिंग। आप स्क्रीन पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे तो 6 डिफॉल्ट वॉच फेसेस इधर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी की बात करूं तो द फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैं ये ऐप को कवर कर चुका हूँ, वहां से जाके इसकी UI आप चेकआउट कर सकते हैं। बैकअप एंड राइज काफी अच्छे से वर्क कर रहा है इसका। अगर आप इसे धूप वगैरह में यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपको साइड लेने की जरूरत नहीं मिलेगी। ब्राइटनेस काफी अच्छा इसमें आपको मिलने वाला है। जो टच कंट्रोल है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और काफी स्मूथ डिस्प्ले है इसका। वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला और काफी ज्यादा लाइट वेट है। अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए रात में पहन के सो रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉच आपको 68 दोस्तों कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने वाला, जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट
और म्यूट कर सकते हो। और दोस्तों अभी मेरी वॉच वाइब्रेट हो रही है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोस्तों 7 डेज में आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप सारी नोटिफिकेशन एनेबल करके यूज करोगे तो दोस्तों आपको 4 से 5 दिन ये बैटरी बैकअप दे देगी और दोस्तों लगभग 2 घंटे में आपकी फुल वॉच चार्ज हो जाएगी। दोस्तों एक्यूरेसी की बात करूं तो इसे पहन के मैंने काफी देर तक रनिंग किया, लगभग 50 स्टेप्स काउंट करके मैंने रनिंग किया तो इसने बहुत ज्यादा काउंट करके बता दिया था। वहां पे ये बिल्कुल भी मुझे एक्यूरेट नहीं लगा है। SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर का मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके जो सेंसर है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में 62 बीट्स पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों यहाँ पे 65 हो चुका है, तो काफी क्लोज रीडिंग देखने को मिला है मुझे यहाँ पे। SpO2 मॉनिटर को भी टेस्ट कर लेते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों SpO2 मॉनिटर भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 96% दिख रहा है और दोस्तों यहाँ पे 98 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे काफी क्लोज रीडिंग देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वॉच पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट भी यूज करना है। आपको BP भी देखने को मिल जाता है, वो भी मेजर करके देख लेते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। 108/69 लगभग इतना ही होता है नॉर्मल ह्यूमन का, तो दोस्तों ये सेंसर इसके मुझे काफी ठीक लगे हैं। इसे टेबल पे रख के देखेंगे तो दोस्तों जब मैंने इसे टेबल पे रख के देखा तो यहाँ पे इसने एक एरर शो कर दिया था, मैंने दोबारा से किया तो दोस्तों फिर से यहाँ पे एरर आ चुका है। सॉफ्ट सरफेस पे भी इसे रख के देख लेते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों इसने शो करा दिया 83 बीट्स पर मिनट अभी मेरी टेबल का HR है। अब बात आती है 1500 रुपए में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप थिन डायल के साथ कोई लाइट वेट वॉच परचेस कर रहे हो जिसके सेंसर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हो तो इस वॉच को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों यही था क्रॉसबीट इग्नाइट क्रक्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप आगे भी कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपका क्वेश्चन और क्वेरी कोई रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका 100% प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।